लवारिस लाशों के मसीहा कहे जाने वाले अयोध्या के शरीफ चाचा हो रहे वायरल। सोशल एक्टिविस्ट ने विरोधी को दिया मुंहतोड़ जवाब। बुजुर्ग समाज सेवी मोहम्मद शरीफ को लवारिस लाशों के मसीहा के तौर पर जाना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने पिछले 25 वर्षों में 25,000 से ज्यादा लवारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है। 30 साल पहले नौजवान बेटे की एक्सीडेंट से मौत और लवारिस के तौर पर उसके अंतिम संस्कार ने शरीफ पर ऐसा असर डाला कि वो किसी भी लवारिस लाश के वारिस बनकर सामने आए। छोटे बेटे को खोने के बाद लवारिस शवों का अंतिम संस्कार करने वाले मोहम्मद शरीफ चाचा ऐसे खोए कि साइकिल मरम्मत की स्थापित दुकान हाशिए पर आ गई। सेवा संवेदना के जोश में गृहस्थी की गाड़ी पटरी से उतर गई। शरीफ के 3 बेटों में एक ने साइकिल मरम्मत की दुकान खोली, दूसरे ने मोटरसाइकिल की मरम्मत का काम शुरू किया और तीसरे ने ड्राइवर का पेशा अपनाया। तन ढकने के लिए कपड़े, 2 जून की रोटी और सिर पर छत की जुगत में सुनिश्चित होती रही। मोहम्मद शरीफ भी घरेलू जिम्मेदारी से ऊपर उठकर अपना मिशन आगे बढ़ाते गए। शरीफ चाचा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। वजह है मुंबई में रहने वाले चर्चित सोशल एक्टिविस्ट। दरअसल बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप इस समय फेक न्यूज फैलाने के आरोप में पुलिस प्रशासन के रडार पर हैं। इसी के चलते द विनय दुबे उनके यूट्यूब चैनल को बैन कराने की मुहिम चला रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने एक ट्वीट के माध्यम से दी है। विनय दुबे ने ट्वीट में कहा, मैंने कहा था 5 दिन में भगोड़े मनीष कश्यप के 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स चैनल सच तक न्यूज को डेड करा दूंगा, 40% काम पूरा हुआ। अगले 2 दिन देख लो, सच तक न्यूज रिपोर्ट मारते रहो, कटोरा लेकर घूमेगा ये पगला। विनय दुबे के इस पोस्ट पर एक शख्स ने बौखलाकर शरीफ चाचा के साथ उनकी तस्वीर पोस्ट कर दी और कहा, दोगले लोग ज्ञान ना दे। सोशल एक्टिविस्ट विनय दुबे ने इस ट्विटर ट्रोल को करारा जवाब देते हुए लिखा, अगर इनको मैं गले लगाकर दोगला हो गया तो मोदी जी और पूर्व राष्ट्रपति जी क्या हुए। इनके सामने तुम्हारे आका भी झुककर सलाम करते हैं। ये है भारत की शान, फैजाबाद के पद्मश्री शरीफ चाचा। आफताब अहमद नाम के एक शख्स ने लिखा, शरीफ चाचा हमारे शहर के साथ ही पूरे देश के सम्मानित हस्ती है। एक शख्स ने लिखा, नफरत के आगे कुछ नहीं देख सकते ऐसे लोग। आपको बता दें, हजारों लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुके समाज सेवी मोहम्मद शरीफ को निस्वार्थ सेवा के लिए राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शरीफ चाचा को नमन करके सम्मानित किया था। शरीफ चाचा जैसे शख्स के लिए कुछ लोगों में पल रही इस नफरत की भावना को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।